सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिच विद सोनी। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो है बिगनर्स के लिए जो कि अभी स्टिचिंग सीख रहे हैं और कढ़ाई वाले सूट की जो कटिंग है करने के लिए उसे कैसे सेट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह कढ़ाई वाला सूट जिसकी हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इक्वल करके हम पीछे का पार्ट निकाल लेंगे कट करके, क्योंकि हम साथ में इसकी कटिंग नहीं कर सकते, अलग अलग हमें कटिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज जब हम अपना जो सिंपल जो बिना कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनकी जब हम कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से दोनों पल्ले बिछाकर इन्हें इक्वल करके हम यहाँ पर ड्राप अपना ड्रॉ करते हैं और कटिंग कर लेते हैं। पर कढ़ाई वाले सूटों में ऐसा नहीं होता, इससे जो है कढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एक साइड ज्यादा चली जाती है दूसरी साइड कम पड़ जाती है, तो इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो पीछे का हिस्सा है उसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पीछे का हिस्सा कट करके रखा है, इसको मैं अलग कर लूंगी। और अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो हिस्सा है कढ़ाई वाला, इसे हम मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है इक्वल आना चाहिए कढ़ाई वाला। देखिए यहां से ये अनइक्वल है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इस तरीके से हम कढ़ाई वाले सूट की जो है ड्राफ्टिंग करके और फिर कटिंग कर लेंगे, उसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल सूट की करते हैं। बस हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारा कढ़ाई वाला हिस्सा है वो बीच में ही आए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.